तुम ना बच्चों की तरह जिद क्यों करते हो? जब मैंने तुमसे पहली एक मर्तबा कह दिया था कि जब तक हमारे एग्जाम्स नहीं फिनिश होते तुम कोई ऐसी बात नहीं करोगे। सो ऑनेस्टली मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था अम्मी अब्बू को तुम्हारे घर लाकर। क्यों, क्या कुछ हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? नहीं, किसी ने कुछ कहा तो नहीं है, मगर देखो ना, जिस रीजन की वजह से मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर लाया था, तुम्हारे हसन भाई के एक्सीडेंट की वजह से, वो तो खुद ही घर पर नहीं था। तुम्हें अपने पेरेंट्स को मेरे घर लेकर आना था, तुम्हारी जिद थी ना। तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ, अब क्या सोचने लग गए हो? शानसेब, क्या तुम्हारे दिल में अभी मेरे लिए कोई स्पेशल फीलिंग्स नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम अभी मुझे महज सिर्फ अपना एक दोस्त समझती हो, एक क्लासमेट? नहीं। मतलब तुम मुझे अपना दोस्त भी नहीं मानती हो? क्या हो गया सरमद, तुम हर वक्त इस टाइप की बातें क्यों करते रहते हो? तो फिर कैसी बातें करूं? अच्छा ठीक है, नहीं करता, तुम्हें बुरा लगता है। अच्छा सुनो। हाँ कहो ना। सरमद, आई लव यू। शांत।